أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته सब प्यारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आज बेटा हमारी कौन सी क्लास है? इस्लामियात की क्लास है। आज हम ज़बानी निसाब में क्या पढ़ेंगे? इस्लामियात पढ़ेंगे। चलिए अपने सबक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला का तारुफ। ठीक है, अल्लाह ताला के तारुफ में आज हम क्या पढ़ेंगे कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। आपको पता है अल्लाह ताला हर जगह मौजूद होते हैं, चाहे हम अच्छे काम करें या बुरे काम करें तो अल्लाह ताला हमें देख रहे होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, वो हमें देख रहे हैं। तो बेटा हमें क्या करना चाहिए? अगर हम समझते हैं कि हम छुपकर कोई काम कर रहे हैं और हमें कोई नहीं देख रहा, तो बेटा हमें अल्लाह ताला ज़रूर देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। और आपको क्या याद करना है? ये कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस्लामियात में अल्लाह ताला के नाम। अल्लाह ताला के नाम आज हम पढ़ेंगे। पहले निशान लगा लीजिए, अल खालिकु, अल खालिक, अल बारियु, अल मुसव्विर। अब हम पढ़ेंगे, पढ़िए टीचर के साथ पढ़िए, अल खालिक, अल खालिक, पैदा करने वाला। दोबारा पढ़िए, अल खालिक, पैदा करने वाला, अल बारी। दोबारा पढ़िए, अल बारी, जान डालने वाला, अल बारी, जान डालने वाला, अल मुसव्विर, अल मुसव्विर, सूरत बनाने वाला। दोबारा पढ़ते हैं, अल खालिक, पैदा करने वाला, अल बारी, जान डालने वाला, अल मुसव्विर, सूरत बनाने वाला। यहाँ तक आज हमारा सबक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सूरत फातिहा पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? सूरत फातिहा की आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 पढ़ेंगे। सूरत अलक हमारी कंप्लीट हो गई है और आज हमारी सूरत फातिहा स्टार्ट होगी। तो आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2, पहले ताउस तस्मिया पढ़ेंगे। पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोबारा पढ़िए, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम। ये हमारी आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2, ये आज हमारा यहाँ तक सबक है। ठीक है, ये हमारा सबक है यहाँ तक। दोबारा एक दफ़ा पढ़ लीजिए, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, आज हम मस्तून दुआ में हम पढ़ेंगे सो कर उठने के बाद की दुआ। कौन सी दुआ पढ़ेंगे? सो कर उठने के बाद की दुआ। पहले हमने सोने से पहले की दुआ पढ़ी थी, सब बच्चों को याद है। आज हम पढ़ेंगे सो कर उठने के बाद की दुआ। चलिए टीचर के साथ पढ़िए, अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी,
احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. دوبارہ پڑھیے. الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. دوبارہ پڑھیے. سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا. الحمد لله الذي الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. ٹھیک ہے بیٹا, یہ ہمارا آج تک کا سبق تھا. نشان لگا لیجئے اور اس کو اچھے سے یاد کیجئے گا. سب سبق کی دہرائی کرنے کے لیے آپ ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھیے اور دہرائی کیجئے, اور جو آج کا سبق ہے اس کو اچھا اچھا یاد کرنے کی کوشش کیجئے. ٹھیک ہے, اب نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. فی امان اللہ, السلام علیکم.